जी मैं हूं बीएस और आप देख रहे हैं बीएस फिल्म प्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग के बारे में, वीडियो ऑटो वीडियो एडिटिंग कैसे होती है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि दो चार वीडियोस को देखकर आप जो हैं कंप्लीट वीडियो एडिटर बन सकते हैं, ऑटो वीडियो एडिटिंग, जो वेडिंग की पूरी वीडियो एक एडिट कर सकते हैं, जो आप शॉपकीपर्स जो हैं वो एडिटिंग करते हैं तो वो दो तीन वीडियो देखकर अपनी शॉप बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वेडिंग वीडियो को नॉर्मली तरीके से एडिट कर सकते हैं जो मार्केट में वैसे नॉर्मली चल रहा होता है। तो उसके लिए आपको जो पहले मैंने बेसिक टूल्स समझाए हैं, सॉफ्टवेयर के टूल्स जो हैं वो आपने अच्छे से समझने हैं, वो वीडियोस को आपने देखना है ताकि आपको बेसिक टूल्स आते होंगे, तो फिर आप ये दो तीन वीडियो देखेंगे तो आपको दो तीन समझने आएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैलेंज हम करते हैं वीडियोस को ओपन, डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। जैसा कि पिछली वीडियो को देखने वालों को सब समझ आ चुका होगा, ये कुछ इस तरह से ये लोड ले रहा है थर्ड पार्टी प्लगइन्स को लोड करने के लिए, रीड करने के लिए थोड़ा ऐसे टाइम लेगा। ये आप देख सकते हैं ये बफर इसका चल रहा है। ठीक, अब हम देखेंगे इसको, यहां से हम क्या करेंगे प्रोजेक्ट हम यूज़ करने के लिए, डाटा यूज़ करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिक्सिंग का डाटा कोई भी कंपनी तैयार करती है वो ज़्यादातर डी पार्टीशन यूज़ करते हैं। तो डी पार्टीशन क्या होता है, अंदर सबसे पहले आपको तैयार करने हैं फुटेजेस जो आपकी वेडिंग वीडियो के अंदर ऑटोमेटिकली यूज़ होंगे। जैसा कि पुराने वक्तों में जो लोग हैं इंसर्टें लगाते होते थे ये वो, तो ऐसे दूल्हा दुल्हन की पिक्चर्स या फुटेजेस वगैरह जो हैं आपने उनको क्लिप्स को काट के रखना है। वो कैसे करना है, आपने जस्ट एक प्रोजेक्ट ओपन करना है और वहाँ पर वो कैसे बनाने हैं आपने और कहाँ रखने हैं, किधर जाने हैं, वो सब कुछ प्रोजेक्ट खुद ब खुद करेगा। आपको क्या करना है, यहाँ से मैंने आपको बताया था आपने न्यू कोई काम करना है तो न्यू प्रोजेक्ट लेना है, और अगर आपको पुराने प्रोजेक्ट पे वर्क करना है तो आप ओपन प्रोजेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से आप करेंगे ओपन प्रोजेक्ट और हम जाएंगे माय कंप्यूटर की डी पार्टीशन के अंदर। डी पार्टीशन में हमें मिल जाता है बीएस फुटेज। तो किसी भी कंपनी का आप डाटा यूज़ कर रहे होंगे तो उसके अंदर फुटेज होगा, बाकी उसकी कंपनी का कोई नाम वगैरह जो चेंज कर लेते हैं वो नाम वाम होगा, लेकिन बेसिकली एक चीज़ आपको याद रखनी है फुटेजेस। तो फुटेजेस नाम का एक फोल्डर होगा, उसको आप ओपन करेंगे, इसके अंदर आपको मिल जाता है प्रो। यहाँ से फिर से अगेन वही प्रीसेट सेलेक्ट करेंगे, वही वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, 50 फ्रेम या 20 फ्रेम, 25 फ्रेम या 50 फ्रेम, जो आपकी मास्टर वीडियो होगी वही वाला फ्रेम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल अभी मैं 25 वाला कर लेता हूँ। तो इसको ओपन करेंगे तो आपको इसके अंदर प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, मेहंदी का है, बरात का है, वलीमे का है। तो बेसिक हम पहले मेहंदी को ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसके अंदर जो ऑलरेडी वर्क हुआ हुआ है, जो उसके ऊपर ही कंट्रोल एस कर दिया है किसी ने, तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट बड़े फाइल बड़ी है, मैं इनको डेल कर देता हूँ और ये आपका कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट ओपन होगा। और ये नीचे आपको कुछ कलर मैट्स नज़र आ रहे हैं, कलर मैट्स के अंदर जो है आप यहाँ से इसको जूम करके देख लेंगे। जो पीछे वाले वीडियो देख चुके हैं उनको पता होगा जूम कैसे होता है और किस किस की से होता है। तो आप ये देखेंगे इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है B01, B02, B03। अच्छा, इसको हम जूम आउट करके बाकी क्लिप्स के ऊपर भी देखते हैं उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो हम ये देखते हैं पहले 5 के साथ B लिखा हुआ है, यानी कि ब्राइड, और उसके बाद C आ जाता है, पहले 5 हैं C यानी कि कपल, और उसके बाद आ जाता है G भी 5 हैं, ये आ जाता है ग्रोम। तो आपको क्या करना है, आपको बिन के अंदर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप जाएंगे अपनी मास्टर वीडियो के फोल्डर में। तो मैं आ गया हूँ मास्टर वीडियो के फोल्डर में। हम यहाँ से वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए एंटर। पिछली वीडियो जिन लोगों ने देखी है उनको पता है डाटा कैसे इंपोर्ट करना है। अगेन बता रहा हूँ, पीछे वाली वीडियोस को देखेंगे तो बात समझ में आएगी। अच्छा जी, अब हम समझ लेते हैं ये ब्राइड है, इसका हम एक वीडियो का क्लिप ला के इधर रखते हैं और इसको हम जो है क्लियर करने के लिए इसको मैं स्लो मोशन लगा देता हूं। अगेन बता रहा हूं, वीडियो में सबको पता चल चुका होगा, ये ऐसे हमने इधर लगा दिया और उसके बाद कोई और एक वीडियो का क्लिप मैं इधर ऐसे ही लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे कट भी लगाएंगे और क्लिक करके बैक स्पेस और स्लो मोशन लगाएंगे और कट लगा देंगे। आपको 1:1
ऐसे क्लिप लगाते जाना है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, पहले पांच दुल्हन के लगाने हैं, उसके बाद आपने कपल पहले पांच लगाने हैं, उसके बाद आपने दूल्हा भैया के पांच लगाने हैं क्लिप। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं पिन को खाली कर देता हूँ, आपको प्रेस करना है F3। आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी, मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये बैच एक्सपोर्ट नज़र आ रहा है, ये विंडो आ जाएगी। F3 से भी आती है और इससे भी। और अब यहाँ मैं करूँगा क्लिक और करूँगा कंट्रोल ए, और मैं यहाँ पे फिर से लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये टोटल फाइल सेलेक्ट हो गई हैं। मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा और यस कर दूँगा। अब ये फाइल्स एक्सपोर्ट हो रही हैं, और इनको किस फोल्डर में जाके रखना है, कहाँ पे इनको पेस्ट करना है, ये खुद ब खुद वहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कॉपी कर देगा। आपको कहीं कुछ कॉपी नहीं करना, कुछ पेस्ट नहीं करना, आपने जस्ट सॉफ्टवेयर ओपन करना है, ऐसे फुटेज बनाने शुरू कर देने। जी, ये एक्सपोर्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये इसके बाद हम करेंगे बारात। बारात के प्रोजेक्ट पे आएंगे हम, ऐसे ही डिपोर्टेशन में जाएंगे, और यहाँ से हम फुटेज वाले फोल्डर में प्रो में जाएंगे, और 25 वाला और बारात। बारात पे हम क्लिक करेंगे तो इसका प्रोजेक्ट ओपन होता है तो कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी सेम है। बारात पे बी आ गया है 10, ब्राइड के क्लिप लगाएंगे 10, और कपल के लगाएंगे हम फिर से 10, और ग्रोम के लगाएंगे हम फिर से 10। ये आप यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है, जी मीन्स ग्रोम, सी मीन्स कपल, और बी मीन्स ब्राइड। तो अब हम फिर से यहाँ पे अपनी मास्टर वीडियो लाएंगे। मैं अगेन वही वाली वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि किसी फैमिली की वीडियो ऐसी ना हो जो सोशल मीडिया में प्रॉब्लम करे, इसलिए मैं ये वाली वीडियो यूज़ कर रहा हूँ जिसकी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसे ही जैसे मैंने बताया है पहले क्लिप्स लगा लेने हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही वीडियो को पकड़ के ऐसे ये कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने कंप्लीट कर लिए, इसको ऐसे माउस से लेफ़्ट क्लिक करके रखेंगे और ऐसे सेलेक्ट करेंगे और डेल का बटन प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। और ये समझ लें मैंने ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो रख दी है, आपने इसको अच्छे से जैसे मैंने पहले समझाया है वैसे इसको एडजस्टमेंट करके क्लिप लगा देने हैं। और उसके बाद आपको करना क्या है कि ब्राइड इज यहाँ पे आएंगे, इस पर ब्राइड इज लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि ब्राइड की, दुल्हन की आंखें, शर्मीली सी आंखें ला के रख देनी है। ठीक है जी, और आगे पीछे से आप इसको कट कर देंगे। तो कट करने के बाद आपने अगेन क्या करना है, F3 प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे और इसको टोटल सेलेक्ट करके हम करेंगे एक्सपोर्ट और कर देंगे यस। और ये हो गया स्टार्ट फुटेज एक्सपोर्ट करने, और अपने अपने फोल्डर्स के अंदर ये खुद ही पेस्ट कर देगा, आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत होगी, हर प्रोजेक्ट आपका तैयार होगा। ओके, जी तो ये एक्सपोर्ट हो गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। और इसके बाद हम ऐसे ही ट्राई अगेन सेम लाइक वही चीज है, आपको यहाँ से फिर से क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नो कर देंगे, और यहाँ से हम जाएंगे डिपार्टिशन के अंदर दोबारा से, अभी जो है अपना ये फोटेज में जाएंगे हम, फिर वहीं पे फोल्डर में अपना 25 वाले में वलीमा, सेम लाइक वही चीज है,
जैसे बरात का था, सेम टू सेम। बस फर्क इतना होगा यहाँ पे आप जो क्लिप्स लगाएंगे वो वलीमे के। मैं फिलहाल इसको ऐसे ही लगा देता हूँ, मैं ऐसे ही रख देता हूँ, आप लोगों ने ऐसे नहीं रखना। पीछे से वीडियो पूरी देखें और मेहंदी पे मैंने लगा के बताए हैं कैसे लगाने हैं, कौन कौन सा उसमें यूज होता है, स्लो मोशन वगैरह, ये वो कट वगैरह, उसमें सारी डिटेल्स मैंने दी हुई हैं। और यहाँ पे ब्राइडीज आनी है, सेम लाइक वही चीज़ है, और देख के पूरे क्लिप्स मैनेज करके आप लगाएंगे। और यहाँ से आप F3 प्रेस करेंगे या यहाँ से आके क्लिक कर सकते हैं और सब को सिलेक्ट ऑल करेंगे राइट क्लिक करके, और अब इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, सब सिलेक्ट हो गए, एक्सपोर्ट पे क्लिक। फुटेज एक्सपोर्ट हो गए हैं, अब हम जाएंगे अपना उसके अंदर ना फुटेज वाले फोल्डर्स के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेहंदी वाला फोल्डर खोलते हैं तो इसके अंदर ये फुटेज एक्सपोर्ट हुए पड़े हैं, बरात वाला फोल्डर खोलते हैं तो इसके अंदर ये वाले फुटेज एक्सपोर्ट हुए पड़े हैं, और वलीमे के फोल्डर में आते हैं तो उसमें ये वाले फुटेज एक्सपोर्ट हुए पड़े हैं, ठीक है। और जब ये फुटेज एक्सपोर्ट हो गए तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये सब के सब तैयार हो गए हैं, अब बस आपको ओपन करना है और एक्सपोर्ट करना है, प्रोजेक्ट एडिटिंग हो जाएगी खुद ब खुद, बस आपको ये फुटेज बनाना है और कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।